अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषानलं दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्य कृतस्वस्तयनाद्विजैः। अथोपोष्य कृतस्नाना, जब उसको दे दिए मोहिनी के हाथ में, उसने भी शर्त रख दिया कि हम कुछ भी करें तुम लोग बोलोगे नहीं, कसम खा लो, कसम खा ली। अब उसके बाद जो है उन लोगों ने सभी ने स्नान किया, आचमन की, संध्या पूजा पाठ कर लिया, हुत्वा च हविषानलम, और अग्नि में नित्य हवन वगैरह जो करते हैं वो अपना अपना कर्मकांड जिसका जो उसने कर लिया, करने के बाद दत्वा गो विप्र भूतेभ्या, और गो विप्र और भूतों के लिए जो बलि देनी चाहिए दान पुण्य वगैरह सब कर दिया, करने कृत स्वस्ति यनाद्विजयी, द्विजों के द्वारा स्वस्ति पाठ आदि करने के पश्चात यथोपजोषम वासांसी परिधायाताते कुशेषु प्राविशं सर्वे प्रागग्रेश्व विभूषिता। उसके बाद यथोपजोषम, जिसकी जैसा बनता हो आप उसके अनुसार अपने अपने अलग अलग ढंग के सभी कपड़ों को पहन लिए। वासांसी परिधाय अहतानी वासांसी, कैसे है वो अहत वास है, विशुद्ध वास है, नया कपड़े सबने पहन लिए, क्यों अमृतपान करना है, पुराने कपड़े अशुद्ध मैल कपड़े से उचित नहीं है। कोई भी मंगल कर्म होता है आप क्या करते हैं, शुद्ध कपड़े से ही करते हैं। शुद्ध का मतलब केवल धोया हुआ नहीं, बल्कि कोशिश ही होता है, सामर्थ्य हो तो नया कपड़ा ही पहन लिए। इसलिए का भी अहत का लक्षण किया है स्मृतिकारों ने, अहतम यंत्र निर्मुक्तम उक्तम वास स्वयं भुवा शस्तम तन मांगलिकेशो तावन मात्र न सर्वदा। अहतम मैंने कौन सा है जो अभी अभी यंत्र से निर्मुक्त हुआ है, यंत्र से निकला, उसे पहले कभी पहना हुआ नहीं, इसका मतलब हाँ, ऐसे वास को स्वयं भुवा परमात्मा स्वयं भू के द्वारा कहा गया कि वही अहत वास है, और तत् मांगलिकेश शस्तम मंगल कर्मों में पहनने का ही विधान है। उसके बाद रोज पहना करो, कोई दिक्कत नहीं, कि नए कपड़ा को बिना कोई मंगल कार्य के सीधे नहीं पहनना चाहिए। मंगल दिनों में मंगल पूजा इसलिए क्या त्यौहार आदि में लोग पहनते, त्यौहार करें मैं पहन लिया ताकि त्यौहार की विशेष पूजा होगा, पाठ होगा, दारू मांस मछली नहीं खाएंगे, नहीं शुद्ध पवित्र रहेगा, भोजन व्रत आदि अनुष्ठान होगा ढंग से, इसलिए उन दिनों में ही नया वस्त्र पहन। फिर उसके एक बार पहन लिया तो दूसरा दिन उसी को पहनो, कोई बाद में बारंबार पहनते रहे, कोई दिक्कत नहीं। आरंभ होता है तो मांगलिकेश्वेव शस्तम तावन मात्र न सर्वदा, जो सर्वदा पहना हुआ पहले से उतने को नहीं मान्यता गया। ऐसे आहत नवीन वस्त्रों को सभी ने पहना है, यथोपजोषम मतलब जिसका जैसा सेवन करने का सामर्थ्य था वैसे 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 पहन लिया, यथा प्रीति इत्यर्थ, जैसी जिसको किसको लाल रंग प्रसन्नता है, किसको पीला है, किसको हरा है, किसको कैसा है कि नहीं, जिसको जैसा पसंद है वैसा कपड़ा पहनते हैं लोग। अब अलग विलक्षण है ना, आप हर प्रांत में देखिए अलग अलग ढंग के कपड़े बिकते हैं, इसीलिए है या नहीं, अब आंध्रा वगैरह में जाइए डार्क डार्क रंग के कपड़े मिलेंगे, लाइट रंग का मांगो तो दुकान में रहेगा ही नहीं, एक जगह पर मिलेगा ही नहीं कहीं दुकान में, होते भी काले और डार्क, और पहनते भी डार्क डार्क रंग के पहन, मैचिंग होता है, सब मैचिंग है, कॉन्ट्रास्ट होनी चाहिए, है कि नहीं। सारी दुनिया ऐसी हो रखी है, जिसका जैसा रंग बिरंग उसी हिसाब से वही रंग पसंद आता है, जिसका जैसा पसंद वैसा समय पहन लिया। प्राग अग्रेश कुशेशो, और कुशासन बिछाई, जो प्राग अब उसका कुशा का अग्रभाग पूर्व जाए की ओर, ऐसे आसनों का बिछा करके सर्वे अभिभूषिता अपने अपने आभूषणों से भूषित होकर के प्रावशत बैठ गए, तैयार होकर पंगत लग गई। प्रांग मुखेशु भविष्ठेशु सुरेशु दितिजेशु च धूमां मोदित शालायां जुष्टायां माल्य दीपकैः। प्रांगुकेषु उपविष्टेषु, बैठे कहां पर, अभी धूप मोदित शालायां, धूप जलाया गया है, धूप नहीं, ये धूप नहीं, सूर्य का धूपम समर्पयामि होता है ना, वो उसे सुगंधित कर दिया गया, बहुत बड़ा भवन था, मकान था, उसमें सब बैठे हुए हैं। जुष्टाया माल्य दीपिका ही, वो सीवित कैसा है, माल्य दीपिका, और मालाओं मालाओं विभिन्न प्रकार के पुष्प मालाएं लगे हुए, दीप जलाया गया अंदर में, इत्यादियों के द्वारा सुशोभित उस मकान के अंदर सभी के सभी प्रांग मुकेश विष्टेशु पूर्व मुखोर बैठे हुए हैं, सभी देवता लोग और दैत्य लोग भी।
तस्याम नरेंद्र कर भोर ऋषदुकूला श्रोणी तटाल सगतिर मद व्यवलाक्षी साकुजती कनक नूपुर सिंजितेन कुंभस्तनी कलश पाणि रथा विवेश। अब उस मकान में जो है मोहिनी अवतार धारण किए हुए भगवान प्रवेश करते हैं उस अमृत कलश को लेकर। प्रांग मुखेश प्रविष्ट तस्याम नरेंद्र उस तस्याम ने तस्याम शालायाम उस मकान के अंदर जो है हे नरेंद्र अरे परीक्षित करभ इव ऊरु यस्या सा करभ इव ऊरु यस्या सा करभ किसको कहते मणिबंधाद आकनिष्ठम करस करभ बही इति कर का बही प्रदेश मणिबंध से लेकर के जो है कनिष्ठिका तक यूं करके जो आकार बन रहा है वही आकार एदारश आकार का ही था उरु प्रदेश जिस स्त्री का ऐसा मोहिनी का स्वरूप था। करो घोरु उषदुकूल और कैसे हैं एकदम स्वच्छ कपड़ा उषदुकूल उषद कमनीयम दुकूलम यस्विन तेन श्रोणी तटेन विशाल या शौन्या ऐसा श्रोणी तट नितंब स्थल है जिसका ऐसी वो देवी थी। अलसा मने मंदा गतिर यस्या और मंद गति के साथ अंदर प्रवेश कर रही धीमी धीमी से साकुजती कनक नूपुर सिंजितेन साजसौ वह ऐसा होते हुए भी जो है ना कैसा और भी है कहते हैं कि भाई कनक नूपुर सिंजितेन स्वर्णमयी नूपुर जो पहना हुआ था उसकी जो है सुंदर आवाजों की कूचते आवाजों करती हुई मुंह से नहीं बोल रही है किंतु पायल से बोलती हुई चले आ रही है। कुंभस्थन कुंभ इव स्तनो स्तनयो हो यस्या सा यदि कुंभस्थनी कलश पानी हाथ में क्या है वो अमृत कलश है ऐसी वह विश्व मोहिनी आवेश प्रवेश कर गई। ताम श्री सखीम कनक कुंडल चारु करुण नासा कपोल वदनम पर देवताख्याम संवीक्ष समूह उत्स्मित वीक्षणेन देवासुरा विगलित स्तन पट्टी कांताम विगलित स्तन पट्टी कांताम देवासुर संवीक्ष समूह देवतरासुर सभी मोहित हो रहे हैं उसको देखकर। कैसी है वो ताम श्री सखी लक्ष्मी का परम मित्र है भगवान विष्णु तो लक्ष्मी का परम प्रिय ही है इसे श्री सखीम ताम कनक कुंडल चारु कर्ण नासाक पोलवदनाम परदेवताख्याम साक्षात परमात्मा ही परदेवता ही है। कनक कुंडल स्वर्णमय कुंडल है सुंदर कान है नासा कपोल ये सब सुंदर है चारु कर्ण चारु नासा चारु कपोल ऐसा कपोल आदि से विशिष्ट चारु वदना परदेवताख्याम और कैसी है उत्स्मित वीक्षणेन और मुस्कान से युक्त चक्षु के जो है ना दृष्टि चार ओर बिखेर रही है सबको देखते हुए चल रही है। विकलित मने स्रस्त स्तन पट्टिकाया अंतो यस्या उसके स्तन पर लगे हुए कपड़े का टुकड़ा भी किनारे से थोड़ा सा खिसका हुआ है ऐसा विलक्षण दृश्य को देख करके देवर असुर सभियों ने जो है ना अत्यंत मोहित होने लग गए। इसका मतलब क्या है अविद्यालेश से युक्त है अविद्यालेश से जब तक युक्त नहीं होता व्यक्ति मोह नाम के जिस आ नहीं सकता है भाई नाम ही रख दिया मोहिनी मोह को करने वाली सबको मोहित विश्व मोहिनी जगन मोहिनी ये सब प्रसिद्ध नाम है इनका। इसलिए कहते हैं अब ये सारा विशेषण आप लोगों के अंदर घट जाता है ना आपके अंदर क्या है पंक्तिबद्ध है देव असुर दोनों की वृत्तियां अनेक वृत्तियां देवासुर नामक वृत्तियां इस मकान कौन है शरीर रूपी मकान के अंदर विद्यमान और सब प्रांग उपविवेश आसन लगा करके बैठे हुए हैं सभी का अपना अपना स्थान बैठे सब इंद्रियों का अपना अपना स्थान अलग अलग है और जिसको जिस विषय में रुचि आ रही उसी चीज को लेकर बैठे हुए हैं उनका आभूषण की अपना अपना विषय ही उनका आभूषण बनता है सभी इस तरह का अंदर सारी चीजें अंदर विद्यमान है और उस स्थिति में अविद्या प्रवेश करेगी बिना अविद्या का प्रवेश या जगत का व्यवहार नहीं हो सकता और ऐसी प्रवेश करती है किंचित स्रस्त होकर के प्रवेश करती है। यदि अविद्या भी विवेकशालिनी हो जाए है ना यस्तु विज्ञानवान सारथी हो जाए फिर तो सारा काम चौपट हो जाएगा
फिर ये माया चाल चलेगी नहीं ना। फिर ये तो अविज्ञान सारथी, वो विज्ञान वत्ता को यह बता दिया क्या है, विगलित स्तन पट्टिकांताम, उसे संकेत किया कि अविज्ञानवान सारथी है। लेकिन साथ में बिना चैतन्य का कुछ नहीं होता है, इसलिए अमृत कलश को हाथ में लिए आ रही है, अर्थात चैतन्य से विशिष्ट होकर के, चैतन्य में अधिष्ठित होकर के ही यह विद्या माया मोहिनी प्रवेश करती है इस मकान रूपी शाला के भीतर। तब अंदर प्रवेश करने के बाद कंडीशन रख दिया, यहां वहां बैठे हुए थे, क्रम से थे लेकिन देवता लोग एक तरफ और असुर एक तरफ नहीं थे, कुछ देवता कुछ असुर कुछ देवता कुछ असुर, सब मिक्स होकर बैठे हुए। जैसे आजकल के पंग सब संप्रदाय मिक्स होकर बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, यहाँ भी सारे संप्रदाय इकट्ठे हुए, सब जात पात सब एक होकर के बैठ गए। अब भगवान ने देखे तो सब जात पात इकट्ठा हो रखे, शूद्र ब्राह्मण वैश्य सब इकट्ठा बैठ गए, तो कहा कमाल है, तो ठीक नहीं, पंग सही लगनी चाहिए, कंडीशन रख दिया, अरे देवता लो सब एक तरफ हो जाओ, सब देवताओं के लिए यहाँ लगेगी, दंडी होंगे इधर, परमहंस होंगे इधर, जैसे होता है वैसे यहाँ व्यवस्था कर दिया भगवान ने, व्यासुर लोग इधर हो जाओ, बांटने में तो सुविधा होगी ना, दोनों चक्कर है, बांटने में भी सुविधा है, किसको क्या देना है, हमने तो अलग अलग लिफाफा गिनते रहोगे क्या, ब्राह्मण लिफाफा अलग क्षत्रिय लिफाफा अलग कैसे करोगे, समस्या हो जाएगी, एक तरह लिफाफा सब एक कट्टा देते जाओ, दूसरा दूसरे तरफ देते जाओ, सब व्यवस्था ठीक बनता है काम। इसलिए व्यवस्था का सवाल है, दोनों को अलग विभाजन कर रही है। असुराणाम सुधा दानम सर्पाणाम इव दुर्नयम मत्ता जात नृशंसानाम नत्तम व्यवजत दच्युत। असुरों को अमृत देना सर्पों को जो अमृत पिलाने के समान हो जाएगा, वह दुर्नयम ये नीति युक्त नहीं है ऐसा, क्यों, क्योंकि जन्म से ये धूर्त दुष्ट है, जाति नृशंसाना जन्मते ही हिंसा प्रदान वाले ये लोग है, और इनको अमृत पिला दो तो बस हो जाएगा संसार में हिंसा ही हिंसा रह जाएगा, और कुछ ना, अहिंसा तो नाम भी नहीं रह जाएगा। ऐसे मानते हुए ताम न अच्युत, इसलिए अब अच्युत भगवान उस अमृत को उन लोगों के लिए प्रदान नहीं किया। कल्पयित्वा पृथक पंक्ति, कैसे नहीं दिया उन्होंने, इसलिए उन्होंने क्या किया, पृथक पंक्ति कल्पयित्वा, कल्पयित्वा पृथक पंक्ति उभयेषां जगत्पति ताश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु। उन दोनों के लिए उभयेषां जगत्पति व जगन मोहिनी भगवान ने क्या किया, दोनों के लिए अलग अलग पंक्ति का आदेश दिया, और कोई विरोध तो करेगा नहीं, पहले ही है, हाँ भाई जैसा बोलूंगी जैसे बांटूंगी चुप रहना पड़ेगा, इसलिए जैसे वो कह रही है वैसे वैसे सब नाच रहे हैं, यही हो रहा है, अविद्या के अनुसार हम लोग भी नाचते रहते ना, जैसे अविद्या नचा रही है वो सब नाच रहे, चाहे शुभ वृत्ति हो चाहे अशुभ वृत्तियां हो, वृत्तिधीन होकर के चल ही रहे हैं हम लोग, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग कसम खा रखे ना अनादिकाल से, तुम जैसे बोलेगी वैसे हम करेंगे, तो डुबाती रहो हम डूबते रहेंगे, नहीं यही वहां पर भी होता है, सात फेरी फेरते हैं बोलते हैं, अनेक जन्मों से ऐसे फेरते फेरते तो घर बर्बाद हो चुके हैं, और बर्बाद होने के लिए आगे फिर फेर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं बोलते ना कसमें खाते हैं बड़े विलक्षण विलक्षण वहां पर, और एक भी कसम निभाते नहीं, ये विलक्षणता आप क्यों मंत्रों का अर्थ उनको बताने वाला भी कोई नहीं, मंत्रों के अर्थ बताना चाहिए ना, क्या कसम तुम खा रहे हो, क्या और क्या कहते हैं, बराबर खाना पीना बांट के आपस में खाना, ऐसे ऐसे बोल देते हैं, और उसका अर्थ गलत लगा दिया, और आधा खाएंगे लड्डू झूठा कर दी उसके मुंह में ठूस दी, और उसने आधा लड्डू खाया झूठा उसके मुंह में ठूस दी, ये सब उठपटांग काम धंधे चालू हो गए, झूठा पुट्टा, पत्नी का झूठा पति नहीं खाना चाहिए, पति का झूठा पत्नी खा सकती है, लेकिन पहले ही दिन से चालू कर देते हैं पत्नी का झूठा पति खाता है, उल्टा काम। सब शास्त्र तो वही कसम खाए, और कसम खाने का अर्थ समझा नहीं, न समझ कर सारा गलत काम चालू कर, आजकल मॉडर्न फैशन हो गया है, और क्या बोतल बोतल होते हैं थम्सअप क्या क्या होते हैं, उसे दो पाइप डाल दे इसे पी रहे उसे पी रहे हैं, क्या जमाना है, हद हो गई है? जैसे चार कुत्ते के बिल्ले नहीं पिले होते, एक ही बर्तन में पीते हैं, वही हालत हो गया,
एक ही बातों से दोनों पी रहे हैं। अरे कुत्तों से सुअरों से तुम में अंतर क्या रह गया? और वे शादी जैसे पवित्र संस्कार का दिन में तुम ऐसे गंदा काम कर रहे हो, रिपब्लिक में सबके साथ फोटो खींचे जा रहे, हमको फोटो दिखाए एक ना, तब हमको समझ में ये हो रहा है, नहीं तो हमें कहाँ से मालूम होता? हम तो कभी गए नहीं शादी वादी में। ये फोटो देखा हम, देखा ये, मैंने कहा मॉडर्न सुअर, मैंने कहा मॉडर्न सुअर और सुअरी जो है पी रहे हैं काम कर। उसको बहुत बुरा लगा जब ये बात कहा, मैं दिल्ली की बात है, बड़ा खुशी से दिखा रहा था, मैंने कहा ये सब ठीक है ठीक है ठीक। जब ये देखा मैंने कहा मॉडर्न सुअर और सुअरी का फोटो है, बुरा लगा। मैंने क्यों उन्हें पूछा, मैंने बताया चलो आज वॉकिंग करेंगे ना तब हम तुमको दिखाएंगे। शाम को वॉकिंग करने गए तो वो उसी मोहल्ले से गए, देख वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है वहां पे, एक ही बर्तन में सब खारे पीरे की नहीं। हाँ महाराज, तुमने क्या किया तो फोटो में वहां बताओ, तो मॉडर्न सो रहा कि नहीं हुआ? इसलिए है तुम बोतल में हो और कपड़ा पहने वो, इतना ही फर्क है उसमें और तुम में, बस इतना है, अब क्या है? ये सब गलत परंपराएं है कि ना समझने से हो जाता है। श्रेष्ठ श्री जो पंक्ति शो तांश उपवेश यामास, उन सब को जो है ना बिठा दिया, बिठा करके दैत्यान गृहित कलशो वंच यन्नुपसंचरई दूरस्थान पायामास जरा मृत्यु हराम सुधाम। जान करके वह मोहिनी किसके नजदीक चल रही है? असुरों का नजदीक, पिला रही है देवताओं को, दूर में रहने वाले इनको दिखाती हुए इनके पास से निकलती, फिर उधर पिला, फिर इनके पास आती है दिखाने के लिए, चिंता मत करो तुम्हें भी पिलाएंगे हम। अरे आप तो महान हो, ये चंचल होते हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको पहले पिला देता हूँ, आप तो बहुत धैर्यवान पुरुष है। प्रशंसा करते जाती है और उसको बेवकूफ बनाते जा रहे, और उधर देवताओं को दिए जाते हैं। कह रहे वही कहते दैत्यान प्रति दैत्यान वंचयन, दैत्यों को वंचित करते हुए कैसे उपसंचरे ही बहुमान प्रिय वाक्यादि ना, बहुमान और प्रिय वाक्यादि उनके द्वारा उनको जो है ना वंचना करते हुए गृहित कलश, गृहित कलश वाला वह परमात्मा दूरस्थान जो है दूर में स्थित जो है देवताओं को ही जरा मृत्यु हराम सुधाम पाया मास, जरा और मृत्यु हरण करा देने उस अमृत को पिला दिया। जरा और मृत्यु को हरण करने वाले जो है उस अमृत को पिला दिया। वही कहते आगे ते पालयंत समयम असुरा सकृतन नृप तुष्णिम असंकृत स्नेहा स्त्री विवाद जुगुप्सया। दो कारणों से असुर तो देख रहे हैं गड़बड़ कर रही है ये, लेकिन क्या करें, दो कारणों से चुप रहे। एक पहले कसम खा रखे हम कुछ नहीं बोले, तुम जैसे चाहे मुझे विश्वास है तुम सही बांटेगी बराबर बांटेगी, ये विश्वास है ऐसे करके कसम खाए थे, एक कारण तो वो, और दूसरा स्त्री जैसे कौन झगड़ा करे, अब वो नाचने लगेगी चिल्लाने लगेगी हो हल्ला कर देगी तो मुश्किल, इज्जत जो है वो भी डूब जाएगा, इस चक्कर में चुप रह रहे थे। वही हेतु दे रहे हैं ते समयम, समय मैंने वो जो निश्चय था बांटने से पहले जो अनुबंध तय हो गया है, जो अनुबंध तय हो उसका नाम समय, उस समय का ही समयम पालयंतः असुराहा स्वकृतम समयम आगे ना, स्वयं के द्वारा दिया हुआ कसम का पान करते हुए हे नृपरे परीक्षित तूष्णिम आसन कृत स्नेहा स्त्री विवाद जुगुप्सया। तूष्णिम चुपचाप बैठे हुए थे, दूसरा कारण क्या है कृत स्नेहा, उसे प्रेम भी किए हुए हैं प्यार कर रहे हैं उसे, और स्त्री विवाद की जुगुप्सा भी है, स्त्री के साथ विवाद करने से लोग निंदा करेंगे ये भय भी अंदर छाया हुआ है, इस वजह से भी वो चुप थे। तस्यां कृताति प्रणया प्रणया पाय कातरा बहुमानेन चाबद्धा नोचु किंचन विप्रियम। आगे तस्यां कृताति प्रणया, अत्यंत प्रेम कर बैठे चलो अमृत नहीं भी देगी तो मेरी तो हो ही जाएगी, यूं सोचने लगे उल्टा, चलो अमृत नहीं मिले तो कोई बात नहीं मोहिनी मेरी पत्नी बन जाए, उल्टा खोपड़ी चलने लग गया उनका। इस तरह से कृत अति प्रणया और प्रणया पय खातरा,
यदि कुछ बोलूंगा तो कहीं ऐसा ना होकर अच्छा टेढ़ियां कर देगी तो सारा किया हुआ प्रेम चौपट हो जाएगा ना। इसलिए प्रणय का अपाय से का भय था, ईश्वर से भी कुछ नहीं बोल रहे और बहुत मान भी दे रही है। अरे आप बहुत धीरे, आप बहुत महान है, अरे आप जैसे कहां है संसार में, ऐसे बकवास किए जा रही है और जो उसी बहुमान में ही वो मस्त हो गए। आबद्धा संतो न ऊचो किंचन विप्रियम, कोई विप्रिय वचन उन्होंने कहा नहीं। इसलिए देवलिंग प्रतिच्छन्न स्वर्भानुदेव संसदी प्रविष्ट सोमम अपिबत चंद्रार्काभ्यंच सूचित। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था देवलिंग प्रतिच्छन्न, देवताओं का शरीर का आकरण आकार वाला शरीर बना करके छिप करके उसमें वो कौन स्वर्भानु नाम का व्यक्ति देवताओं का पंक्ति में बैठ गया, वही राहु केतु बनेंगे। प्रविष्ट देव संसदि प्रविष्ट मैंने देवताओं की पंक्ति में प्रवेश कर गया था वो। सोमम अपिबत और सोम भी पी गया, भगवान जो है ठगने में लगे रहने, यहां ज्यादा महत्व यहां दे रहे थे कहीं ये ना भिड़ जावे, इस चक्कर में उन्होंने वहां ध्यान नहीं दिया, पहचाना नहीं, समझा ये भी देवता है, दे दिए। लेकिन सूर्य और चंद्रमा अगल बगल में जो थे उन्होंने कहा भगवान ने क्या कर दिया आपने, एक भी दुष्ट बहुत है, सब देवताओं को पछाड़ देंगे ये। तो इसने भगवान ने क्या किया, चक्रेण क्षुरधारेण जहारप्यपद शिर हरिस्तस्य कबंधस्थु सुदय अप्लावित अपतत। क्षुरधार वाला चक्र के द्वारा सर के बारा भी पी रहा था, पिबत शिर जहार उतने में काट, गले से नीचे उतरा ही नहीं उसे पहले काट। हरि ही जो है जहार शिर पिबत कबंधस्तु, जो कबंध धड़ का जो भाग है वो क्या हुआ, सुदया अप्लावितो अमृत से असंस्पृष्ट हुए ही अपतत गिर पड़ा। शिरस्तमरदाम नीतम अजो ग्रह मची कृत यस्त पर्वण चंद्रार्ख अभिधावती वही रधी ही। शिरस्त अमरताम नीतम, शिर भाग जो था वो अमरत्व को प्राप्त कर गया, देव भाव को प्राप्त अजो ग्रह्म चिकलवत। अत ब्रह्मा जी ने देखा मेरे देव भाव को पर इसके सम्मान किया जाए, उसको एक ग्रह भाव को प्राप्त करा दिया, नव ग्रहों में एक ग्रह का पोस्ट उसको मिल गया। लेकिन फिर भी उसके अंदर वो वैर भाव आज तक विराजमान दिखता है संसार में। धृत वैर देही वैर बुद्धि वाला होकर वो क्या करता है आज भी, यस्तु पर्वणी पर्व मैंने ग्रहण काल में चंद्र और सूर्य की ओर दौड़ता है, उसको ग्रसित कर देता है, इसलिए ग्रहण कह देते हैं। उस समय राहु के द्वारा सूर्य अथवा राहु के द्वारा चंद्र गृहित हुआ होता है, इसलिए उसका नाम ग्रहण हो गया। वैर बुद्धि से ऐसा आज तक वो क्रोध शांत हुआ नहीं है, भले अमृत वो पी रखा है फिर भी वो क्रोध के कारण से वैर भाव से इस तरह से करता है। इसके बाद सब देवता लोग लगभग पी चुके थे, भगवान ने देखा अब ज्यादा रहेंगे तो ठीक नहीं, क्योंकि पता लग गया है असुरों को चक्र चल पड़ा, इसका मतलब यह मोहिनी नहीं है, औरत नहीं है। हाँ अब उनके अंदर खून खौल रहा है, लेकिन क्या करें, औरत से कौन भिड़े, बात तो ही आ गई ना, इसलिए वो बेचारे हाथ मल रहे हैं, पकड़ के पीटने को तैयार लेकिन पीट नहीं सकते, औरत है। अब भगवान भी देखा अब ज्यादा इस तरह से अब रहना इन लोगों के बीच में ठीक नहीं, कुछ भी कर सकते, दुष्ट है ना, जब नशा चढ़ जाए वारणी और पी जाएंगे क्रोध में फिर तो थोड़ी देखेंगे औरत है, खींचतान कर डालेंगे ये तो, इसलिए भगवान गायब हो गए। पीत प्राय अमृते देवई भगवान लोक भावना पश्चता मसुरेन्द्राणाम स्वरूपम जगरे हरि। हरि ने अपराश्री रूप में विष्णु रूप धारण कर लिया, धारण करके खड़े थोड़ी होंगे, पीड़ है ही होगा, फिर वहां लड़ाई झगड़ा हो जाए कुछ हो जाए गायब स्वाहा, अपने लोग चले जाए। लेकिन दिखा दिया हम मोहिनी वाक्य कोई औरत नहीं था, विष्णु था। ढूंढने के प्रयास मत करना, दो बार कहीं मोहिनी मिलेगी क्या, सबके पेट में है मोहिनी। पीत प्राय अमृते,
कई देवही। देवताओं के द्वारा प्रायः जब अमृत पी लिया गया तब भगवान जो है लोगों को कल्याण चाहने वाला भगवान है। ये नहीं कि तुम्हें धूर्त है भगवान गड़बड़ किया है, ऐसे नहीं, लोगों के कल्याण का दृष्टि से जान के ऐसे किया। लोक भावना पश्यताम असुरेंद्राणाम, असुरेंद्रों को देख कर असुर और असुरेंद्राणाम पश्यताम एव स्वम रूपम जगृह, अपना स्वरूप को ग्रह धारण कर लिया भगवान हरि ने। एवं सुरासुर गणाः समदेश काल हेत्तर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्रामृतं सुरगणा फलमञ्जसापूर यत्पाद पंकजरज श्रेणान्न दैत्या। देखो समान है, मेहनत बराबर है, कर्म एक है, फल में भेद हो गया। इस लीला के द्वारा कर्म की व्यवस्था भी दिखा दिया। ये भगवत शरणापन्न होकर के श्रद्धा से आप करते हो कर्म तो पूर्ण फल मिलता है, उचित फल मिलता है, और अश्रद्धा पूर्वक केवल दिखावटी दंभ कर्म करते जो धर्म धार्मिक कहलाने के लिए किया करते जो कर्म उन लोगों के लिए कोई फल नहीं मिलता। व्यवस्था दे दिया, कर्म एक होने पर भी समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपी, सुर और असुर गणों के द्वारा समदेश समकाल सम हेतु सम अर्थ सम कर्म सम मतयोपी समझ फले विकल्पा, फिर भी फल में विकल्प हो गया। क्यों? तत्र अमृतम सुरगणः फलम, सुरगण जो है अमृत रूपी फल को अंजसापुः अनायास ही प्राप्त कर गए। यत् पाद पंकज रजश्रयणा, आगे ना, क्योंकि भगवान के चरण कमल रज का उन्होंने आश्रय लिया था, इसलिए दैत्यों ने आश्रय नहीं लिया था इसलिए उनको फल प्राप्त नहीं हुआ कर्म का। यद्युज्यते असुवसु कर्म मनोवचो भीर देहात्मजादि शनिर्भिस् तद असत् पृथक्वा तैरेव सत् भवति यत् क्रियते अपृथक्वा सर्वस्य तद् भवति मूल निषेचनम् यत्। यद्युज्यते असु वसु कर्म मनोवचो भी, कहते हैं जो व्यक्ति अपना प्राण, असु मने प्राण, वसु मने धन, कर्म मने कर्म, प्राणादियों के द्वारा देह आत्मा आजादियोंशु निर्भीर यद्युच्यते प्रयुज्यते, देह आत्मजादिशु च देह में और आत्मज इत्यादियों में यद्युज्यते निर्भी तद असत् पृथक। यदि आप देहात्मादियों में अपने वक प्राण से धन दौलत से सब में यदि आप इसमें आसक्त हो जाते हैं, इससे युक्त हो जाते हैं, किन में, देह में युक्त हो जाते हैं, पुत्रादि में युक्त हो जाते हैं, फिर तो असत्य है। क्यों? पृथक तैरेव सद्भवति, बस इन्हीं के द्वारा, लेकिन यत् क्रियते जो करके आपने परमात्मा में डाल दिए तो वही सत्य हो जाता है। तैरेव यत् क्रियते सद्भवति कब? अपृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूल निशन, जैसे मूल में डाला हुआ जल सकल पता पता डाल डाल में पहुंच जाता है, उसी प्रकार से परमात्मा को अर्पण कर दोगे तो सभी को आपने प्रदान कर दिया है। अच्छा सबको दिया आपने, अपने ने नहीं लिया, अच्छा आपको वास्तव में फल प्राप्त हो जाता है। ये व्यवस्था कर्म की विशेषता बता दिया, इसलिए लोग कर्म कांड की जब बात करते तो क्या है अंत में कह देते ईश्वर अर्पण मस्तु ब्रह्मा अर्पण मस्तु, है नहीं, श्वार्पण मस्तु, ऐसे क्यों कहते हैं? इसलिए कह देते हैं कि भाई हमने जो कर्म किया है इसलिए गुण दोष जो भी रहा सत असत कर्म फल पुण्य अपुण्य जो भी है वो सब कुछ भगवान को अर्पण हो जावे। और भगवान थोड़ी लेंगे, तुम्हारे कर्मों के भूखे थोड़े बैठे हुए हैं, वो तुम्हें ही दे देते हैं। बस अर्पण करने का लाभ ये हुआ कि आपके अंदर जो स्वार्थ की भावना में न्यूनता हो गई, भेद बुद्धि से पूर्वक जो करने की संभावना थी कर्म का वह दूर हो गया, और आपने ईश्वर भाव को अर्पण करके अभेद बुद्धि से एक तरह से अपने कर्म को अनुष्ठान कर दिया। अतएव कर्म का फल में व्यवस्था सद और असद निर्भर होता है आपकी पृथक बुद्धि है या अपृथक बुद्धि है। शुकोवाच सुखदेव महाराज कहते हैं यदि दानव देते या नाविंदन अमृत नृप युक्ता कर्मणि यत्ताश्च वासुदेव परामुखाः। इस प्रकार से हे नृप, हे राजाधिराज परीक्षित, दानव और दैत्य
इन लोगों ने अमृत को नहीं प्राप्त कर सके। क्यों? यद्यपि यत्ताश्च कर्मणि युक्ताः, कर्मणि युक्ताः यत्ताश्च वासुदेव परामुखः। यद्यपि वे लोग तो कर्म युक्त थे ही, फिर भी वे लोग वासुदेव से परामुख थे, अतः उन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। साधित्वा अमृतम राजन पायित्वा स्वकांसुरान पश्यतां सर्वभूतानां ययौ गरुडवाहनः। सकल भूतों का देखते देखते भगवान गरुड़ वाहन वहां से चले गए अपने लोक की ओर। किस प्रकार? हे राजन साधित्वा अमृतम, मैंने अमृत के निष्पादन किया, मेहनत करके सबके साथ सबको जुड़ा करके। यदि वो ना होते तो कहां से अमृत होता? वो कच्छप भी बन गए, सहस्र भावन के ऊपर बैठ गए, अजित बन करके मंथन भी किया, तब जा करके निकला। और मोहिनी बन की व्यवस्था भी दे दिए। स्वकांसुरान पायित्वा, अपने स्वजन भूता जो इस कल संसार की रक्षा के लिए विभिन्न पदों प्रतिष्ठित होकर के जो संभालने वाले 33 करोड़ देवताओं को अमृत प्रदान करके भगवान वहां से सबका देखते देखते चले गए। तीन का क्या होगा? चार हो गया। मोहिनी वो तो धर्मंत्री तो रत्नों में अवतार थोड़ी है, वो तो रत्नों में गिन लिया आपने, तो अवतार तो चार हुए। इसलिए कच्छप, सहस्रबाहु, अजित, मोहिनी। सहस्रबाहु ऊपर से दबाए थे ना उन्होंने पर्वत को, और नीचे सपोर्ट दिए थे कच्छप बन करके, अजित बन करके मंथन किए। तीन तो ये हो गया, और बाद में अमृत निकलेगा तो मोहिनी बन गए। चार अवतार एक तरह से वंश कला अवतार बन गए, तब जाके काम। धनवंतरी को तो आपने जो है तो वो भी उसमें दो रत्नों में गिना धनवंतरी को। एक तो आयुर्वेद का प्रवर्तकत्व है ना, सर्व जीवों के लिए औषधियों का ज्ञान प्रदातृत्व रूप ज्ञान रूपा है ना, आयुर्वेद ज्ञान रूपी एक रत्न, और दूसरा अमृत रूपा दूसरा रत्न। दोनों धनवंतरी के माध्यम से आया, दो रत्न इसने माना गया वहां पर, और इससे पहले 8 हो चुका था, है कि नहीं? वारणी को लेकर 9 था मेरे ख्याल से, 9 था, 9 और ये 2, 11 हो गए, है कि नहीं? 14 रत्न है ना, उसमें जो है 11 हो गए, 3 गिनना नहीं हुआ यहाँ पर। भागवत में 3 का नाम नहीं लेगा रत्नों की गिनती। नंबर 1 शंख, शंख का नाम नहीं। दूसरा जो धनुष, तीसरा बालचंद्र, ये 3 चीज का वर्णन नहीं है। शंख तो जो निकला था वो भगवान विष्णु ने रख लिया था 5 जन्य, और धनुष जो था शिवजी को दे दिया था, और बालचंद्र को भी शिवजी को दे दिया था, जीवन लाश पर रख लिया था। गांडीव धनुष निकला था वो शिवजी को दिया गया था, जिसको फिर बाद को भगवान ने शिव ने प्रसन्न होने के बाद अर्जुन को दिए थे, वो धनुष शिव का। इसलिए शुरू हुआ शिव से, अंत है शिव से। ये 3 वहां पर यह वर्णन नहीं आया, अन्य पुराणों से गृहित है। अच्छा, साधित्वा अमृतम राजन इत्यादि सपत्तानां परामृद्धिं दृष्ट्वा तेति तिनन्दनाः अमृष्यमाणा उत्पेतुर् देवान् प्रत्युत्पदायुधाः। लेकिन जब देखा दानवों ने, दैत्य दानवों ने, अरे ये तो हमारे शत्रु देवता लोग दिन प्रतिदिन वृद्धि को बढ़ रहे, प्राप्त किए जा रहे। परामृद्धिं दृष्ट्वा, परारृद्धि को प्राप्त किया हुआ देख करके, अमृष्यमाना असहमाना सहन नहीं हुआ, तो देवान प्रति उद्यत आयुधा संतो उत्पेत हो, देवताओं के प्रति अपने आयुधों को उठा करके मारने के लिए दौड़ पड़े। यही होता है अपने अंदर भी, है ना, जैसे आप साधन करने लग जाओ, भक्ति वगैरह बढ़ने लग जाए, असुर वृत्तियां जो आपके अंदर है, जन जन्मांतर के वासनाएं, वो छोड़ते नहीं, वो आपको खींचने लग जाते, जबरदस्त लड़ाई चलती है, बहुत जबरदस्त लड़ाई चलता है। साधु बनने से कठिन है, क्यों? जहां जाओगे वहां आपको सम्मान मिलेगा, ये असुर वृत्ति का काम है, आपको सम्मान दिला देता है, और अंदर से लड़ाई होती है। हम ये सम्मान को पाते रहें या अपनी स्वाध्याय करें, साधना करें, ध्यान करें, लेकिन धीरे धीरे आदमी क्या होता है, वो फंसते जाता है, फंसते जाता है। 24 घंटा सम्मानों में भूखा चिपड़ जाता है, ध्यान करने के लिए टाइम नहीं, जप करने के लिए टाइम नहीं, पूजा के लिए टाइम नहीं होता है ना साधुओं में, असुर वृत्तियों का जीत हो जाती है, पता नहीं चलता। वो समझता है मैं कल्याण कर रहा हूं, अरे अच्छा काम कर रहा हूं,
जनता हमारी पूजा करेगी, उनको पुण्य मिलेगा, उनका उद्धार होगा, अरे तू तो नरक में जा रहा है, ये नहीं सोचता। अपना ब्रह्मज्ञानी माने मैं काहे को नरक में जाऊंगा, यदि कहोगे ना आप नरक में जाओगे, अरे हम तो ब्रह्मज्ञानी है, हम काहे को नरक में जाएंगे, हम तो ब्रह्म है, ब्रह्मित ब्रह्मी बहुत हो चुके हैं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ग्रहण कर लेते हैं उल्टा। और वो असुरवृत्तियां जो होती हैं वो ऐसा वार करते जाते हैं, आपकी जितनी भी शास्त्र वासना है पढ़ा लिखा भी सब भूल जाते हैं, और बाद में अंत में क्या याद रहता है, चल मनोरंजन की कथाएं याद रहती हैं, जिनसे लोगों को रिझा रिझा कर पैसा लुटा था ना, वे ही अंत में याद आते, मरने के काल में एक भी शास्त्र का वाक्य याद नहीं आया। सब कथाकार सब विद्वान बंडले सर फंडले सर महंतों यही हाल, अंत में उनको कुछ भी याद नहीं रहता। एक मंडलेश्वर जी के साथ जहां मैं रहता रहा पहले, वो कहते भी थे, हमको कहते थे स्वामी जी हम लोग तो फंस गए, बोलते थे ये क्यों फंस गए आप, भैया आप ऐसे नहीं करना, कभी कथा प्रवचन में मत जाओ, ये ऐसी गंदी चीज है, ये वो खींचती जाती है, महान दारू है, सब विवेक को नष्ट कर देती है। तो आज हमको ना तो कोई सूत्र याद है, ना कोई न्याय, ना मीमांसा, ना वेदांत, कुछ भी याद नहीं, कोई मंत्र तंत्र याद नहीं, इतनी याद है कि भाई लोगों को कहानियां सुनाना चौपाइयां कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी याद है, जो सुना सुनो करके पैसा लूटते हैं। कह रहे थे आज यदि हमको कोई कहे आप बैठ करके उपनिषद का पाठ कीजिए, शुद्ध पाठ करते जाइए, तो हम नहीं कर सकते, समझाना तो दूर की बात, खुद स्वीकार कर रहे थे। मैंने कहा अब भी आप छोड़ दो क्या दिक्कत है, भजन में लग जाओ वापस, छोड़ दो लग जाइए, कहते अब कैसे चलेगा है, 20-25 लाख रुपए कुंभ के लिए जरूरत पड़ता है, कुंभ भी छूट जाएगा ना, पद छोड़ दो, कुंभ के खर्चे की चिंता कहाँ, वो कैसे होगा, खुजलाने लग गए, वो कैसे होगा, मैंने वो कैसे होगा, मरने तो उत्तराधिकारी नहीं मिला, कैसे होगा, किसी को भी दे दीजिए गद्दी, किसी उत्तराधिकारी कहाँ है, कहते मेरे को आज तक कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं दिखा, हम समझ गए मरने तक इसको दिखेगा है नहीं, ये अंधा ही रहेगा, ये अंधा ही रहेगा, इसको योग्य अधिकारी दिखेगा ही नहीं संसार में जब तक इसकी मौत नहीं आएगी, वही हुआ मरने के बाद गद्दी के पीछे लड़ाई झगड़ा दुनिया भर, ये दुर्दशा क्या है, कौन किया है सब असुरवृत्तियों ने, जब देखेंगे आप ब्रह्म ज्ञान के अनुभूति पर आगे बढ़ रहे हैं, आपका सारा विवेक को नष्ट करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, अपनी अपनी आयुध अनेक प्रकार के आयुध इनके पास है, अमान लंगोटी के पक्के भी हैं तो कोई बात नहीं, सम्मान के भूखे रहेंगे आप, नाम के भूखे रहेंगे आप, कोई ना कोई चीज अंदर ऐसा भूख पैदा कर देता है कि नहीं तो आप इधर ऐसी दया आ जाएगी, अगर ये बहुत गरीब लोग हैं या कहीं पठन पाठन नहीं है, चलो यहाँ एक स्कूल बना दिया जाए, लग जाएगा स्कूल बना नहीं ऐसा ना, कोई ना कोई वृत्ति खड़ा कर देते हैं, असुर वृत्तियां आपकी देवी वृत्ति को खत्म कर देते, ये विलक्षणता है, उस समय विवेक बिल्कुल काम नहीं करते, लेकिन यहां पर अमृत पी चुके हैं ना, इसलिए जीत देवताओं की होगी, असुर हारेंगे। तथा स्वर्गणा सर्वे सुधया पीत यही दिता प्रति संयुदो शस्त्रीर नारायण पदाश्रया, तथा उसके बाद क्या हुआ, स्वर्गणा देवता लोग कैसे हैं, सुधा अमृत के पी करके वृद्धि को प्राप्त किए, सामर्थ्य को प्राप्त किए हुए, सर्वेश्वरी को प्राप्त किए हुए, सर्वे स्वर्गणा शस्त्री प्रति संयुद्ध शस्त्रों के द्वारा उन असुरों के साथ जबरदस्त लड़ाई छेड़ दिया, लेकिन तब भी अहंकार नहीं इनके यहां, नारायण पदाश्रया भगवान नारायण को स्मरण करते हुए उनकी शरणागत होते हुए ही वो लड़ाई चौल किए हैं, यानी कि अमृत पी लिए हैं तो हम ही सब कुछ जा, भगवान वन कुछ नहीं, विष्णु कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोच रहे, फिर वो भी असुर कोटि में चले जाएंगे, आसुरी वेदांत पर यही तो बोलते हैं, अरे हम एक अमेव श्रोत्र संसार भाग मूर्ख, अरे क्या तुम समझ रहे, सर्वम खलु तुम ब्रह्म तक भी नहीं पहुंचे, हम ब्रह्मास्म कहां पहुंचोगे,
यदि वो कहते अहमेव ब्रह्म, अहम एव ब्रह्म, अन्य सर्वम अब्रह्म, ये आसुरी वेदांत अहम ब्रह्म अस्मि यतो सर्वम ब्रह्म, ऐसा मानने वाले वास्तविक वेदांत ये तो अहम ब्रह्म अस्मि अतः सर्वमिदं जगत ब्रह्म तद अभिन्न ऐसा दृढ़ निश्चय करके भेद बुद्धि से रहित होकर के अनन्य बुद्धि वाला व्यक्ति तो वही वास्तविक देवी वेदांत वाला है। और ज्यादा होता क्या है अहमेव ब्रह्मास्मि वाले ज्यादा हैं सब जगह, अहमेव ब्रह्मास्मि वाले है ही नहीं। कहते भी दूसरे के पास जाओगे तुम नरक में चले जाओगे, हाँ साफ बोलते। अभी एक आश्रम में घोषणा किया जो यहां से कोई बाबा आया होगा देहरादून में वहां जाने की कुछ लोगों ने इच्छा करा होगा, कहते जो वहां जाएगा वहीं से वहीं चला जाएगा, दो बार आश्रम में आने की जरूरत नहीं, आदेश हो गया। इसका मतलब क्या, उसके पास जाने से इनका अपमान अपने आप महसूस हो रहा है, कहां है वो ब्रह्म, दूसरा ब्रह्म कहां से आ गया, उसे उसके से लोग जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। ये दुर्दशा है, ये अहमेव ब्रह्मास्मि वाले ज्यादा है, इससे बच के रहना चाहिए। इसलिए सब शास्त्र व्यवस्था देती है, कथाओं के माध्यम से समझाता है, नारायण पदाश्रया ब्रह्म विद्या रूपी अमृत पा भी लो तो भी नारायण के चरण को छोड़ना नहीं, अपने स्वरूप में आश्रित रहना, संसार के विषय पर आश्रित कभी नहीं रहना। तत्र दैवासुरो नाम रणः परम दारुणः रोदस्युदन्वतो राजन् तुमुलो रोमहर्षणः। हे राजन, उस समुद्र के तट पर दैवासुर नाम के महान जो भयंकर महान भयंकर महान जो युद्ध परम दारुणः रणः तुमुलो रोमहर्षणः। रण कैसा है, तुमुले भयंकर आवाज भी हो रहा है और रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा विचित्र युद्ध चालू हो गया। कैसी युद्ध है, वर्णन करते युद्ध के स्वरूप। तत्तान्योन्यम सपत्तास्ते संरब्धम मनसो रणे समासाध्य असिभिर बाणैर निजघ्नुर विविधायुधैः। तत्र अन्योन्यम सपत्ताः परस्पर एक दूसरे के शत्रु भाव से युक्त होकर के ते संरब्ध मनस क्रोध युक्त मन वाले होकर रण में समासाध्य समय प्रकार से स्वयं शत्रु भाव को ग्रहण करके शत्रु भाव को संरब्ध मनसो समासाध्य। और क्या किया, असिभिर बाणैर तलवार बाण इत्यादि के रहा विविधायुध ही निजघ्नो एक दूसरे को काटने में लग गए। शंख तूर्य मृदंगाना भेरी डमरिना महान हस्त्यश्वरथ पत्थीनाम नदताम निस्वनो अभवत। ऐसा तुमुल आवाज आया वेनु तुमलो वेनुनादियन वाली बात, ऐसा विलक्षण शब्द था। क्यों, कोई शंख बजा रहा है, कोई तूरी को बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई भेरी को, कोई डमरी को, कोई अब नहीं हाथी का चाल, घोड़े का दौड़, रथ के चक्र का आवाज, पति सेना के पैदल की आवाज इत्यादियों के कारण से निस्वनो नदताम अभवत। उनके आवाज से पूरे चारों तरफ भयंकर आवाज भर गया। रथिनो रथि विस्तत्र, इन लड़ाई में पूर्ण मर्यादा के साथ लड़ाई हो रही, ये विलक्षणता है। लड़ाई होती भी है तो मर्यादा में, रथि रथि से लड़ रहा है, पत्ति सेना वाला पत्ति सेना, पैदल का पैदल के साथ लड़ाई होती है, घोड़े घुड़सवार घुड़सवार के साथ, है कि नहीं, वो पूरा नियम चल रहा है, नियम के अनुसार लड़ाई। रथिनो रथि विस्तत्र पत्ति भी सह पत्तयः हया हयैर इभाश्चैभिः समसजन्त संयुगे समसजन्त सम असजन्त संयुगे। उस युद्ध में रथियों के साथ रथी लोग, पत्तियों के साथ पत्ती सेना वाले, घोड़े से घुड़सवार लोग घुड़सवार वालों के साथ, हाथी पर चलने वाले हाथी हाथी वाई पर चलने वालों के साथ सम्यक प्रकार से युद्ध करना शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, अन्य भी प्रसिद्ध ही था, अक्षौणी सेना में यही सब वाहन होते हैं, उसके अलावा विलक्षण वाहन भी उठा लिया सभी ने। उस केचिद अपरे युद्ध उस खरे ही केचित गौर मृगैर द्वीपीर हरि भीर भटाहा गृध्रैर कंकैर बकैरन्ये शेन भासैस्तिमिरिंगै तिमिंगलैः शरभैर महिषैः खड्गैः
गोवृषैर् गवया कृणैः शिवाभिर् आखुभिः केचित् कृकलासै शशैर् नरैः बस्तैर् रेके कृष्ण सारैर् हंसीरन्ये च सूकरैः। कोई वाहन नहीं छोड़ा इन लोगों ने, सब वाहनों को अपना लिया है। किसी चेड़ू ने ऊंट को पकड़ा, इभम ने हाथी छोटे हाथियों को भी केचित अप्रयुद खरही गधे को पकड़ लिया, उस पर सवार होकर लड़ने लग गए। केचित गौर मृग गौर मृगों को पकड़ ली, रीछ को द्वीपी दो से पीने वाले हाथी हुआ, द्वीपी भी हाथी है, अलग अलग हाथी विशेष की जातियां अलग, पहले इभु भी बोल दिए फिर भी आप बोल रहे हैं, इसीलिए जाति भेद है। हरि भी हाँ, सिंघारी को भी ले लिया, या हरी से सिंह पर कौन चढ़ के लड़ेगा, इसलिए बंदर ले लो, बंदर आदि उनको भी इस्तेमाल कर लो, वानर सेना। भटाहा गृध्रई ही, और गिद्ध पे चढ़ करके कंक के ऊपर, बकरन येर बक के ऊपर भी शेन बगुले, हाँ बगुले शेन भाष ही, शेन भा शेन पक्षी के सदृश पक्षियों के साथ तिमिंगल ही, और जल में भी जाकर लड़ाई हुआ, वहां जल में भी तिमिंगल आदि को वाहन बना लिया उन लोगों ने। शरभ महिष खड़ गई ही, और गोवृष सांडों को भी, बाप रे बाप, गवयारुण ही गवया अरुण इत्यादि सभी मृग हो गया, शिवा भी कुत्तियां आंखों भी ही, हाँ शिवा को भी छोड़ा नहीं, और आंखू जो चूहारी को भी नहीं छोड़े, उस पर ही सवार होकर लड़ाई लड़ रहे। और क्रिकलास गिरगिट को भी वाहन बनाया, शशई मृग जो है आपका खरगोश, नरही मनुष्यों के द्वारा भी बसते ही एक बस कहते हैं वो जो छोटा दाढ़ी वाला होता क्या पकड़ा कृष्ण सारे ही हंस ही कृष्ण मृगादि हंस अन्य सुकरी अन्य लोग सुअरों को पकड़ लिया अन्य जल स्थल खगई सत्य विकृत विग्रह सेन योर वयो राजन विशुस्ते अग्रदो अग्रद। पहले बोलते रोमहर्षण कहते है ना, ऐसा व्यक्ति को देखेगा तो बड़ा आश्चर्य होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसको, ये क्या हो रहा है, विलक्षण स्थिति नहीं, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र को इस्तेमाल किया, वाहनों को इस्तेमाल किया, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। अर्थात हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, सब प्रकार संसाधनों को इस्तेमाल करते हैं ना, अपना लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए आदमी कौन सी चाल नहीं चलता है, विदाउट टिकट भी चल देता है नहीं, WT ऑल इंडिया फ्री ऐसा बोलते हैं, है ना, 1 2 3 WT ऑल इंडिया फ्री, ऐसे बाबा लोग बोल देते। कौन से साधन नहीं अपनाओगे आप, हर साधन का प्रयोग होता है। ये बाबा तो WT चाहता तो क्या है, फटा सटा पहन के और सूटकेस एक नंबर की चीजें, और सूटकेस को उधर रख देगा दूर में, और इधर किनारे बैठेगा बाबा लेटरिन के पास, और कंगलापन के बैठा और नजर सूटकेस पे रहता है। अपनी लक्ष्य सिद्ध करने के लिए अपना धर्म कर्म सब भूल जाता है और सब उठपटांग काम करने को तैयार, क्या उचित क्या अनुचित कुछ नहीं सोचता है। जब है तुम्हारे पास क्यों ऐसे कर रहे हो, क्या जरूरत है इसकी, नहीं मानेगा नहीं, असुर वृत्ति है ना, भले वेश पहनने से क्या हो गया, वो असुर वृत्ति पर तो जीत हासिल नहीं है, वो काम बिगाड़ देते हैं। तो विचित्र ध्वज अन्य जल स्थल खग गई, इसे जल स्थल खग इत्यादि अनेक प्रकार के वाहनों के द्वारा सत्य विकृत विग्रही, सत्य बने जीवों के द्वारा विकृत विग्रह वाले विकृत शत्रु भाव को लेकर के सेनियो रोबयो दोनों सेनाएं हे राजन ते अग्रतो अग्रता मैं आगे करके विवेक प्रवेश करता हुआ लड़ाई लड़ने लगे।